Yes, children, this we have discussed. So what I am saying, ki inside the seed, what is present? An embryo is present. And embryo has some cluster of cells. So some of the cells, they are growing in downward direction and some of the cells, they are growing in upward direction. जो सेल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ओके बेटे, जो सेल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, दे प्रोड्यूस द रेडिकल, एंड रेडिकल जो है, इट इज द प्रोजेनिटर ऑफ द रूट, एंड जो सेल्स अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं सीड में एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास, वो सेल्स प्लिमूल बनाते हैं, प्लिमूल इज द प्रोजेनिटर ऑफ द शूट, ओके बेटे. तो नेक्स्ट इज कि इन द एम्ब्रियो एक्सेप्ट द रेडिकल. Another thing that is present in the embryo is the embryonal axis. So what is embryonal axis? कि अगर कोई भी embryo जो है उसके center में से pass होती हुई आप एक line draw करते हैं, तो that is known as the embryonal axis. ठीक है, embryonal axis के pass में वो cells जो downward direction में grow करती हैं वो radical form करती हैं, and those cells which are present near the embryonal axis in upward direction. And they also grow in upward direction. They form the plimule. So from radical root originates, and from plimule the shoot originates. Okay, बेटे. इसके अलावा हर एक जो seed है उसमें cotyledons होती है. Okay. So these cotyledons are actually the fleshy edible portion of the seed. ठीक है, which is covered by hard and tough layer of seed coat. So seed जो है उसके outer covering को seed coat बोला है, पर जब आप उसका seed coat remove कर देंगे उसके नीचे आपको उसके कॉटिलेडॉन्स नजर आती हैं जो फ्लैशी एंड एडिबल होती है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, इफ वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द डाइकॉट सीड, अगर हम डाइकॉट सीड की बात कर रहे हैं तो दीस कॉटिलेडॉन्स आर टू, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दैट सीड एज डाइकॉट सीड, डाइ मींस टू. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोकॉट सीड, देन दैट मोनोकॉट सीड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉटिलेडॉन. तो ऑलवेज रिमेंबर, among the dicot plant we have all kind of fruit trees, जैसे mango है, lemon है, ये सारे dicots में आ जाएंगे. और अगर हम monocot की बात करते हैं तो we have modified grasses such as wheat है, maize है, all of these modified grasses, cereal crops, they come under monocots. मैंने आपको ये बताया कि dicot जो है इसमें two cotyledons होती है seed में, and monocot में one होती है. And one single cotyledon of a monocot seed, it has a special name and it is known as a scutellum. ठीक है, बेटे, spellings are scutellum, scutellum, which is the single cotyledon of the monocot. अब आगे चलेंगे, structure of a dicot seed first we consider here. तो what is a dicot seed? A dicot seed is that seed which has two cotyledons. The outermost covering of the seed is called seed coat. ये हमें मालूम है, हर एक seed की outermost covering को हम seed coat बोलते हैं. And the seed coat, it has two layers. ठीक है, seed coat जो है वो two layers से मिलके बना है. Outermost layer is known as aster, and inner layer is known as pecten. Always remember, seed coat की two layers होती हैं. Outermost layer को aster बोलते हैं, innermost layer को pecten बोलते हैं. फिर देखिए, there is a scar that is present on the seed coat through which the developing seeds are attached to the fruits. ठीक है, जब भी आप किसी फ्रूट को ओपन करते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है, उसको उस फ्रूट में से रिमूव करते हैं, तो देखो सीड तो रिमूव हो जाते हैं पर एक हार्ड एंड टफ सीड स्कार लाइक कवरिंग फ्रूट के अंदर ही बनी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, हीलम कहते हैं. इट इज नोन एज हीलम. व्हाट इज अ हीलम? हीलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट. सीड कोट के ऊपर वो स्कार होता है जिसके साथ डेवलपिंग सीड्स अटैच होते हैं फूल में. ओके, हीलम जो है उसके ऊपर एक स्मॉल पोर होता है. ठीक है बेटे, देयर इज अ स्मॉल पोर दैट इज प्रेजेंट अबव द हीलम एंड इट इज इजीली विजिबल ऑन द सीड कोट, सो इट इज नोन एज माइक्रोपाइली. इसको माइक्रोपाइली कहते हैं, एंड दिस इज द पोर थ्रू व्हिच ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर इट एंटर्स इनटू द सीड. ये वो लेयर होती है, ये वो पोर होता है जिसमें से ऑक्सीजन और वाटर जो है वो सीड के अंदर जाते हैं ताकि एम्ब्रियो जो है वो सरवाइव कर सके. ओके बेटे, विद इन द सीड कोट, सीड कोट के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एंड दिस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ
an embryonal axis, which is a axis that is passing through the central part of the embryo, and two cotyledons. ठीक है, तो ये सीड कोर्ट जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडॉन से बना हुआ है। फिर देखो बेटे कॉटिलेडॉन क्या है, व्हेन यू पील ऑफ अ पर्टिकुलर, ठीक है, कोई भी सीड जो है अगर आप उसका सीड कोर्ट रिमूव कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एलमंड सीड है एंड यू सोक दोज एलमंड सीड, ठीक है, फॉर अ नाइट, व्हाट यू सी द सिंपल सीड कोर्ट which is in the form of a cover, it actually removes from the almond and white kernel is there, ठीक है, तो white kernel रह जाती है जो उसके ऊपर से उसके seed के cover remove हुआ है उसे को हम seed pod बोलते हैं, और जो white kernel आप खाते हो almond की उसको हम उसकी cotyledons बोलते हैं। तो how many cotyledons are there in almond seed? Two cotyledons are there and generally वो fleshy होती है and they are made up of reserve pod material. ओके, नेक्स्ट इज एट द एंड्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में प्लीबूल प्रेजेंट होता है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेडिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा, आपको बताया था इट इज अ इमेजिनरी एक्सिस दैट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो एंड दो सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड ग्रोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन दे जनरली कॉन्स्टिट्यूट द प्लीमूल एंड फ्रॉम प्लीमूल शूट ओरिजिनेट and those cells which grows in downward directions and they are present near the embryonal axis they generally convert into radical and from radical what originate root originate fir dekhiye seed kitne types ke hain to seeds are two types endospermic seed and non endospermic seed okay children what are endospermic seed to dekho endospermic seeds are those seeds jisme ki endosperm jo hai wo seed ke andar प्रिजर्व होता है तो देखो सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एंड यू नो दैट द एंडोस्पर्म इज द फूड स्टोरिंग टिश्यू व्हिच इज एक्चुअली फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन व्हेन द सेकंड मेल गैमेट इट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल ओके तो अगर कहता है कि सीड में प्रेजेंट उसका जो एम्ब्रियो है वो सारा का सारा एंडोस्पर्म जो है उसको कंज्यूम नहीं करता एंड वो एंडोस्पर्म सीड के अंदर बना रहता है So such type of seeds are known as endospermic seeds. Okay, next they are known as non-endospermic seeds. So what are non-endospermic seeds? So these seeds are actually such type of seed in which the endosperm tissue is not present, as it is totally consumed by the developing embryo. इस तरह के seeds में endosperm बिल्कुल भी नहीं बचा होता, सारा endosperm जो है उसको embryo consume कर जाता है. तो एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ सीड्स आर ग्राम्स एंड पीस ओके बेटे ग्राम्स और पीस जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जाम्पल है सी द डायग्राम्स दैट आर रिलेटेड विद डाइकॉट सीड सो हियर आई हैव टेकन द ग्राम सीड्स एंड यू ऑल्सो हैव सॉ दिस सीड मेनी टाइम्स इन योर होम तो दिस इज द आउटर कवर ऑफ द सीड विच इज नोन एज सीड कोट एंड देयर इज अ स्मॉल स्कार दैट इज प्रेजेंट ठीक है जहां से ये सीड किसके साथ कनेक्ट था फ्रूट के साथ कनेक्ट था तो देखो ये व्हाइट कलर का एक स्कार हमें नजर आ रहा है इसको हम हीलम कहते हैं और हीलम के बीच में देयर इज अ स्मॉल पोर प्रेजेंट व्हिच इज नोन एज माइक्रोपाइली इसको हम क्या कहेंगे माइक्रोपाइली बोलेंगे ठीक बेटे अब अगर इस सीड को हम ओपन कर देते हैं तो अगर हमने इसके पील्स जो है उसको रिमूव कर दिया है सीड कोर को रिमूव कर दिया है So the fleshy edible portion of the gram seeds, which is generally white in color, they are actually the two cotyledons of the gram seed because gram seed is an example of a dicot seed. And when you open the two cotyledons, there is a small, very small thing that is present in between the two cotyledons, and it is somewhat similar to the plus sign. So the end of the plus sign, okay, बेटे जो downward direction में यार वो किसको form करता है radical को और प्लस साइन का जो वो एंड जो अपर डायरेक्शन में है वो प्लूमूल को रिप्रेजेंट करता है तो रेडिकल रूट बनाते हैं एंड प्लूमूल शूट एंड सिमिलर इज द केस विद दिस राजमा सीड और किडनी बीन से हम कहते हैं तो अगेन इन द किडनी बीन व्हेन यू रिमूव द सीड कोर यू फाउंड द फ्लैशी कॉटिलेडॉन्स टू कॉटिलेडॉन्स आर देयर एंड व्हेन यू ओपन दिस कॉटिलेडॉन्स यू फाइंड दिस काइंड ऑफ एम्ब्रियो ठीक है तो कई बार एम्ब्रियोनिक शूट आपको नजर आती है अगर एम्ब्रियो जर्मिनेट कर गया हुआ है
उसमें एम्ब्रियोनिक लीव्स एम्ब्रियोनिक शूट आपको नजर आती है एंड आपको रेडिकल एंड प्लिमूल नजर आती है. हमेशा याद रखिए रेडिकल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड प्लिमूल इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो दीज आर द टू कॉटिलेडॉन्स. गैस्ट्रेटम मोनोकॉट स्टेज. तो ऑलवेज रिमेंबर की मोनोकॉट स्टेज दे आर जनरली द सेट्स ऑफ मॉडिफाइड ग्रासेस और योर सीरियल क्रॉप्स सच एज वीट मेज राइस. इन सब के अंदर जो सीड होते हैं वो मोनोकॉट स्टेज होते हैं. एंड मोनोकॉट स्टेज जो है दे आर जनरली एंडोस्पर्मिक. ठीक है, मोनोकॉट स्टेज एंडोस्पर्मिक होती है. तो हियर द एंडोस्पर्म टिश्यू इट इज रिमेन प्रेजेंट इन द सीड्स. सीड्स के अंदर एम्ब्रियो 100% कंज्यूम नहीं करता एंडोस्पर्म को. तो एंडोस्पर्म टिश्यू अभी भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सीड्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है. ठीक है बेटे, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है. ऑर्किड जो प्लांट है उनके सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक है. मीन्स हियर द एंडोस्पर्म इज टोटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो. यहाँ पे एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेते हैं ऑर्किड्स के केस में, ये एक्सेप्शन है. फिर देखिए इन मोनोकॉट सीड्स सच एज मेज. अगर मोनोकॉट सीड्स में हम मेज का एग्जाम्पल देते हैं तो उसका जो सीड कोट होता है इट इज मेम्ब्रेनियस. अगर मेज का एक दाना अपने हाथ में लेके आप उसको प्रेस करेंगे तो ट्रांसपेरेंट सा सीड कोट उसमें से अलग हो जाता है. ठीक है, तो ये सीड कोट जो है उसके फूड वॉल के साथ जो है वो फ्यूज हो रखा होता है. फिर देखिए एंडोस्पर्म इज बल्की एंड इट्स स्टोर फूड. ठीक है, तो नॉट ओनली अ सिंगल एंडोस्पर्म इज देयर इन द मेज सीड, टू एंडोस्पर्म्स होते हैं. जब आप उसका सीड कोट रिमूव कर देंगे तो आपको उसकी कॉटिलेडॉन्स मिलेंगी और उन कॉटिलेडॉन्स को जब आप प्रेस करोगे तो यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ पाउडरी मास. वन इज येलो इन कलर एंड अनदर इज व्हाइट इन कलर. तो बोथ ऑफ दीज आर द एंडोस्पर्म ऑफ द मेज क्रॉप. ओके बेटे, आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म इट सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर नोन एज एलोरॉन लेयर. तो जब उसके कॉटिलेडॉन जिसका छिलका आपने उतार लिया हुआ है, पील ऑफ कर लिया उसको, उसको आप बीच में से प्रेस करेंगे ना, देन अ स्मॉल स्ट्रक्चर इट कम्स आउट इन योर हैंड. ओके, और वो एक वाइट ट्रांसपेरेंट लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलुरॉन लेयर कहते हैं. और जो चीज उसको प्रेस करने से बाहर आती है वो उसका एम्ब्रियो होता है. तो एम्ब्रियो इज वेरी स्मॉल एंड इट इज सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. ठीक है, ये एंडोस्पर्म के एक तरफ जो है ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. तो देखो ये वाला डायग्राम, दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. As you know that you are studying here the monocot seed, so this means the monocot seed it consists of one large shield shaped cotyledon which is known as a scutellum. तो देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपने उसके अगर ऊपर के peels जो हैं उनको remove कर दिया है by soaking it in water, you will find these hard and you can say cotyledons which are somewhat yellowish in color. एंड उसके अंदर जो है आपको क्या नजर आएगा, तो कहते हैं कि उसके अंदर आपको एक शीत लाइक कवरिंग नजर आती है. जब आप उसको दबाते हैं तो उस शीत लाइक कवरिंग के अंदर जो है आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है एंड दैट इज नोन एज इट इज नोन एज एम्ब्रियो. इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं. ठीक है बेटे, सी इन द सेकेंड डायग्राम. देखिए सेकेंड डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपको ये शीट लाइक कवरिंग नजर आ रही है इन द सेंटर, जिसने इस छोटे से एम्ब्रियो को कवर किया हुआ है. तो दिस शीट लाइक कवरिंग इज नोन एज एलुरॉन लेयर. इसको एलुरॉन लेयर कहते हैं. और ये जो छोटा सा आपको एम्ब्रियो बीच में नजर आ रहा है वो इस एलुरॉन लेयर से कवर्ड होता है. ओके बेटे, तो यहाँ पे देखिए येलोइश कलर का ये आपको कॉटिलेडॉन्स है, उसके अंदर वाला पोर्शन व्हाइट है. तो व्हेन यू रब दिस कॉटिलेडॉन्स यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ पाउडरी मास. वन इज येलोइश इन कलर and another is white powdery mass. So both of these act as endospores. Okay children, next is plimule and radicals. They are enclosed in sheaths. ठीक है, तो आपको पता है कि plimule it always produce the shoot and radical it always produce the root. तो देखिए plimule and radical they are also enclosed in sheath. तो plimule जिससे कि क्या निकलना है, shoot निकलनी है, and radical and from this radical what is going to emerge, root is going to emerge. So both of these progenitors of root and shoot they are itself covered by some sheath like covering. So agar plimule ki baat karte hain to the sheath like covering which covers the plimule it is known as polioptile
and the sheet like covering which covers the radical. It is known as polyorizer. So this is a one mark question. What is polyorizer and what is polyoptile? Always remember, polyoptile means a sheet like covering which covers the play movie. And second one is the sheet like covering which covers the radical, that is polyorizer. ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो आपको एंडोस्पर्म नजर आ रहा है, आपको स्पूटालम नजर आ रही है, द सिंगल कॉटिलेडॉन एंड देन वी हैव पॉलीऑप्टाइल एंड वी हैव पॉलीओराइजा. तो बोथ ऑफ दीस आर द शीथ लाइक कवरिंग ऑफ द प्लीमूल एंड रेडिकल रेस्पेक्टिवली. यहाँ आपको एम्ब्रियो सेंटर में नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक शीथ लाइक कवरिंग है, उसको एलोडॉन लेयर बोला है. फिर आपको कॉटिलेडॉन्स नजर आ रही है, येलो शीट कलर, एंड व्हेन यू प्रेस दिस कॉटिलेडॉन्स यू गेट टू टाइप ऑफ पाउडरिंग मास, येलो एंड white. These are the endosperms. Yes children, now we are proceeding with the main topic of this chapter, from which 3 mark question should be there in examination, and this is an entirely new topic, and that is semi technical description of a typical flowering plant. So kehte hain ki agar aapke haath mein ek flower hai and you have to describe that flower in the language of botany, then what terms you are supposed to use and what symbols you should know. Okay, that comes under the semi-technical description. So, देखिए first है morphological features. किसी भी flower के अंदर सबसे पहले हम उसके morphological features को study करते हैं. तो morphological features जो हैं उसमें vegetative characters भी आ जाते हैं, reproductive characters भी आ जाते हैं, जो floral characters हैं. तो इसमें कुछ points हमने ध्यान रखने हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट. किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को आपने डिस्क्राइब करने हैं तो वी शुड मेक यूज ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. एंड सेकंड वन इज इफ यू हैव टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट द डिस्क्रिप्शन शुड बी इन ब्रीफ. ठीक है, लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देनी है और सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन देनी है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसीडर द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. So these vegetative characters, they are actually the characters that are associated with vegetative organs. And you know that flower ke andar, you know that ki plant ke andar kai sare vegetative organs hote hain, jaise root, stem, leaves. So in sabhi ko aapne explain karna hai. Uspe andar roots kaise hain, stem kaisa hai, leaves kaise hain. Okay, but after the vegetative characters, you will consider the floral characters. So as the name itself indicates, floral characters ke andar flower aa jayega. इनफ्लोरेसेंस आ जाएगी कि भाई इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, बट हाउ द फ्लावर्स दे आर अरेंज्ड ऑन द ब्रांचेस. सो यू आर वेरी मच फैमिलियर विद टू टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, रेसिनोस एंड साइनोस इनफ्लोरेसेंस. ठीक है बेटे, फिर आप फ्लावर्स जो है उसके बाकी पार्ट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि उसके अंदर कैलेक्स कैसे हैं, करोला कैसे हैं, एंड्रोशियम कैसे हैं एंड गाइनोशियम कैसे हैं. And last of and in the last of the semi-technical description, you will use a floral formula जो आपके description के basis पे आपने तैयार किया है and floral diagram आप draw करते हैं. ठीक है बेटे, तो इस तरह का diagram आप draw करते हैं जिसको floral diagram कहते हैं. और floral formula आप जो है जो इसके exactly नीचे लिखा है मैंने वो floral formula है, जो जो भी description मैंने दी है ना उसके basis पे तैयार किया. तो देखो बी आर हम यूज करते हैं ब्रैक्टीरियल फ्लावर के लिए, के सिंबल फॉर कैलेक्स, सी सिंबल फॉर करोला, पी फॉर पेरियम, के फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम एंड जी के नीचे अगर बार लगी है तो फॉर सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस. ओके बेटा, दिस मच वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. तो यहां तक आप रीड कर ले, इफ यू हैव एनी डाउट सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. ओके बेटा, दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर. Is there any question?